और तुम कोशिश करना जो माजी में तुमने गलतियां की हैं वो हाल में दोहराओ ना, इसी में तुम्हारा और जरियाब का फायदा है। आप भी इत्मीनान रखें, मैंने प्रॉपर काउंसलिंग की है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मुझसे गलती हो गई है लेकिन ये कैसी सजा है कि मुझे एक ऐसे इंसान के पल्ले बांधा जा रहा है जिसे मैं जानती तक नहीं। तेरे करतूत इस काबिल हैं कि तुझे कोई चाहे। शुक्र मना सिमी कि तू अभी तक जिंदा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या शर्त रखी और क्या नहीं। मैं तो बस खुश हूँ कि रुमैल और नूर एक हो रहे हैं। कितना अच्छा है ना ये कि मैं नूर को दूंगी, फैसल की अम्मी का सेट है। अब कुलसुम आप ये तो बताएं कि आपने नजमा को अरसलान के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? अफशा बहन, मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखती, रिश्ता मैं डंके की चोट पे करवाती हूँ। बस नजमा बेगम की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे शादी ब्याह का मामला है, दसियों रिश्तेदार होंगे, उम्र तो छुपाई जा सकती है लेकिन ये दो खाई वाला आदमी ये हजम नहीं होता। अरे कुमारी लड़की है, रिश्तेदार तो बातें बनाएंगे ना। तो फिर नजमा ने क्या कहा? अरे कहना क्या है, उन्होंने तो जिक्र से ही मना किया है, कह रही है हमें मालूम है ना, बस यही काफी है। और जरियाब? जरियाब को हम छुपा नहीं सकते ना। अरे छुपाने की क्या जरूरत है, शादी हो जाने दो, फिर तो सबके सामने होगा। ठीक है, मगर आपने नजमा को जरियाब के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? अरे मुझे छुपा के मिलेगा क्या, मैंने नजमा बहन को सब बात बता दी है। तो ठीक है, शादी तक जरियाब को हम नजमा के मेहमानों के सामने नहीं लाएंगे, मगर हाँ शादी के बाद सिमी को जरियाब की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। अरे उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी, एक बार शादी हो जाने दो, फिर तो उसके अच्छों को भी मानना पड़ेगा। मुझे अगर पता होता कि नूर बच्चों का ये हाल करेगी तो मैं कभी भी नूर के साथ ना भेजती बच्चों। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे भूख प्यास की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गए थे। देखो तो सही, ये फूल जैसे बच्चों की शक्लें कैसी हो गई, बिल्कुल मुरझा गए। अब फैसल तुम बच्चों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर लो, आई गेस बच्चे भूखे हैं। अजान बेटा आप खाओगे ना पिज्जा? अरे ये बेचारे बच्चे कितने सहम गए, कुछ बोल भी नहीं रहे। प्लीज आप बताओ पापा क्या हुआ था बाहर दूर से? फैसल अच्छी बातें करते हो, बच्चे कितने सहम गए, उनसे सवालत क्यों किए जा रहे हो? पूछ लेना बाद में जो कुछ हुआ है, पहले जाओ जाके पिज्जा ऑर्डर करो, बच्चे भूखे कुछ खाना तो खाएं, कुछ होगा पेट में तो मैं तुम्हें जवाब देंगे ना वो। अच्छा तुम इनका ख्याल रखो, मैं खाना ऑर्डर करके आता हूँ। मासूम बच्चे। बहुत ड्रामे हो गए, बाप के सामने मुझे जलील करवाना चाहते थे। हाँ तो दिन खाना नहीं मिला तो बेहोश हो गए, अब तुम देखो मैं तुम लोगों के साथ करती क्या। नहीं आंटी हमने कुछ भी नहीं किया। आंटी आंटी बोले हम कुछ भी नहीं किया। जितना तुम लोगों ने करना था ना मेरे साथ तुम लोग कर चुके। पापा से मेरी शिकायत लगाओगे? हाँ पापा से मेरी शिकायत लगाओगे? नहीं आंटी प्रॉमिस हम पापा को कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ठीक है एक ही सूरत में तुम लोगों को माफी मिल सकती है, जैसा मैं कहूं तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। ओके इधर आओ, पापा जब पूछे कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ है तो आप लोगों ने कहना है कि सब कुछ नूर आंटी की वजह से हुआ है, ठीक है? क्या कहोगे? नूर आंटी की वजह से हुआ। तुम? नूर आंटी की वजह से हुआ है। गुड, अब मैं तुम लोगों को पिज्जा खिलाऊंगी। हाँ पेट भर के पिज्जा खाना, चलो आओ इधर।
मुझे तो रह रहकर हॉल उठ रहे हैं, मेरी बेटी वहां किस तरह रहती होगी। अरे नजमा बेगम बहुत चालाक औरत है। भाई हर औरत चालाक होती है, आप किसी से कम हैं क्या? ये बात बात पे आप मुझे क्यों घसीट लेते हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रहना बेगम, बेटियों के घर इतनी आसानी से नहीं बनते, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एहसन उनका इकलौता बेटा है। तो रिमशा भी तो हमारी इकलौती बेटी है। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जैसे हमारे अरमान थे ना अपनी बेटी की शादी के लिए, ऐसी नजमा बेगम भी अपने बहुत सारे अरमान सजाए बैठी होंगी अपने बेटे के लिए। और हुआ क्या, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। अब जब हमें इतना बुरा लगा तो ये सोचो कि उनको कितना सदमा पहुंचा होगा। तो इसका मतलब है कि वो बार बार हमें जलील करती रहेंगी? उन्हें वक्त लगेगा रिमशा को समझने के लिए। रेहाना बेगम हमारी बेटी इतनी अच्छी है कि अगर एक बार रिमशा को उन्होंने समझ लिया ना, तो फिर वो दिन रात रिमशा की गुनगाती फिरेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। अरे मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, ऐसा ही होगा। तुम देखना हमारी रिमशा के नसीबों में अल्लाह खुशियां ही खुशियां भर देगा इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा रेहाना बेगम, अब क्या बातों से पेट भरना पड़ेगा या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? अरे हाय मेरा भी दिमाग ही खराब हो गया। अरे प्याज काट के पानी में रखी थी भिगोने के लिए, सत्यानाश ही हो गया होगा। मैं लाती हूँ लाती हूँ। अब जल्दी ले आना, भूख लगी है बहुत भाई। ये रहा कोरमा। अरे अंकल इतना सा क्यों निकाला आपने? और लीजिए। चलो निकाल लेता हूँ, बस जीती रहो। माशाल्लाह तुमने तो आज बहुत कुछ बना लिया बेटा। बस अब खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। उन दोनों को भी आवाज दे लो खाने के लिए। जी अम्मी मैं अभी बुला के लाती हूँ। अरे कितना अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही आ गए, मैं भी तुम दोनों को ही लेने जा रही थी। हाँ, अब इसलिए आ गए कि आपकी मदद कर रहे थे किसी। बैठो खाना खाओ। कभी अपनी माँ की भी खबर ले लिया करो बेटा, हर वक्त किचन में घुसी चूल्हा हंडी करती रहती हो। अम्मी मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। एक तुम एक तुम्हारी भावज, बस तुम दोनों तो बस ऐसे ही काम करती हो। अरे नजमा बेगम हर वक्त जलीकटी सुनाती रहती। तुम्हें दावतनामा भेजा जाएगा, खाना खाओ। वाह क्या शानदार खाना है। सच अंकल मुझे तो बहुत डर लग रहा था पहली बार जो बना रहे थे। बात सुनो, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। बनाया क्या है तुमने? मुर्ख मुतंजन दाल चावल ही तो बनाए हैं जो तुम अपने अब्बा के घर खा खा के हमारे सीने पे मूंग दलने यहाँ पर आ गई हो। अम्मी प्लीज भाभी ने इतनी प्यार से बनाया, अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो इंसल्ट भी ना करें। बात सुनो, मैं बात करती हूँ खरी। तुम्हारे बाप की तरह लोगों को सर चढ़ाने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा मैं आप कुछ और भी लीजिए ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश की जैसा आप बनाती हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतनी मासूम दिखने वाली सूरत के पीछे इतना भयानक चेहरा। मैं तो पहले ही कह, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तो समझती थी कि नूर फरियाल की दोस्त है, इसलिए वो बच्चों से इतना करीब और उनसे प्यार करती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये नूर का सारा ड्रामा था, दुश्मनी थी, उसे बदला लेने का एक तरीका था। कैसा बदला? रुमैल की बेइज्जती का जो तुमने उसकी की, और ये सब कुछ वो तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए कर रही जो रुमैल ने तुम्हें गिफ्ट की। लेकिन इस सब से मेरे बच्चों का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना फैसल, तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुमसे लोग तुम्हारा फायदा उठाते। सोच
सोचो वो रुमहल से शादी कर, तुम्हें ही तुम्हारे बच्चों से वो दूर कर दे। सोच भी नहीं सकती थी कि नूर ने इतनी प्लानिंग कर रखी थी। मैं अभी उससे बात करता हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखे। फैसल, यही तुम्हारी जल्दबाजी मुझे बिल्कुल पसंद। बस बंदूक उठाई और जला दी गोली। अरे मर गई तो? अगर उसने ये कह दिया कि वो बच्चों को लेकर नहीं गई तो फिर क्या होगा? सोचो। अरे लम्हा भर अगर उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने बच्चों को कमरे में बंद नहीं किया, ना उसने बच्चों को भूखा प्यासा रखा, तो फिर? लगता है कुदरत मुझ पे मेहरबान है, तभी तो मेरे गले का फंदा खुद ब खुद नूर के गले में जाके फिट हो गया। नूर, तेरी शादी तो मैं रुमेल से कभी होने नहीं दूंगी। मुझे तुमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। चार हरी मिर्चे तलने में कितना टाइम लगता है? चलो उसको भी छोड़ो, दाल के पापड़ पड़े थे वही सेक लेती, उसको भी गोली मार दो। वो जो फ्रिज में चटनी बना के रखी है वो क्या सड़ने के लिए रखी है? बड़ी आई नहीं तो भगोड़ी कहीं की। काम क्या करना है, काम हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं भी चटनी लेके आती हूँ। अभी नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, आप प्लीज बैठे। अरे बेटा तुम खाना खाओ, छोड़ो इनकी बातों। वाह भाई वाह, घर की बहू को घर के तौर तरीके समझाने लगी है तो तुम लोगों को क्यों आग लग रही है? वैसे रिमशा, मान गए, तुम्हारा जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। पहले तो सिर्फ शफीक साहब थे, अब तो पूरा घर ही तुम्हारी बोली बोलने लगा है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही है, मैं भला क्यों जादू करूंगी, सभी तो मेरे अपने ही घर वाले। अरे नजमा बेटा, सुकून से खाना तो खा लेने दो। हाँ तो खाए ना, खाना खाए खाए, मैंने कब मना किया है? मैं तो बस ये देख रही हूँ कैसा सर चढ़कर बोल रहा है इस लड़की का जादू। भाई हमें तो नहीं मिलते इस तरह के काम करने वाले लोग। पहले मेरा बेटा इसके चुंगल में फंस गया और अब लो देसी की कमी थी। प्लीज अब बस भी कर दो। चैन से दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती इस घर में। बात सुनो, जा तो रहे हो लेकिन याद रखना, रात को खाना मांगोगे तो नहीं दूंगी। तुम्हारे घर का सुकून चैन गारत करके रखती है, अच्छा है मरे कहीं जाके दफन हो जाए। अरे आपी, आप अभी तक जाग रही हैं? तब खैरियत तो है ना? नहीं अरसला, कुछ बेचैनी सी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। ये सब आपका वहम है और कुछ भी नहीं। आपने मेरे पास्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि फिजा के माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया था, और धोखा देने वालों के साथ क्या करना चाहिए ये तो आप जानती ही हैं। हैं उनका कहना है कि शादी तक हमें जरिया वाली बात छुपानी है। क्यों, आपने उन्हें बताया नहीं कि मेरा एक बेटा भी है और मैं पहले से शादीशुदा हूँ? बताया था, सब बताया, दुनियादारी भी देखनी पड़ती। ये कैसी दुनियादारी है आपकी, जहाँ झूठ बोलना जरूरत बन गई है? तुम नहीं समझोगे, यह हकीकत बहुत तलख है। जहाँ माएँ ना चाहते हुए भी अपनी बेटियों को सजा संवार कर लड़के वालों के सामने नुमाइश के लिए बिठाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके घर से उनका नसीब जुड़ जाए। आपी, समटाइम आप बहुत ही सेंटी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रही हैं। तुम नहीं समझोगे, इसलिए कि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ।
जहाँ माएँ अपने बेटों के लिए हूरें तलाश करने निकलती हैं, उस वक्त वो लड़की उनके लिए सिर्फ प्रोडक्ट होती है और वो उस फर्नीचर को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। सिमी तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, अगर सरियाब वाली बात होगी तो लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, बातें करेंगे कि लड़की में जरूर नुक्स होगा। आप ही बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता, मैं तो थक गया हूँ, आराम करने अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ इस वक्त? हेलो, हाँ बोल, क्या बात है? अम्मी बहुत गड़बड़ हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया, अब क्या कर दिया तूने? अभी जो फरियाल के बच्चे हैं ना, उन्होंने दोबारा हंगामा खड़ा कर दिया घर पे। देख शगुफ्ता, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि फरियाल अपने बच्चों को ट्रेंड करके गई है, वो तुझे इस घर में बसने नहीं देंगे। अम्मी आज तो हद ही हो गई थी, ये तो मैंने बड़ी चलाकी से काम लिया, पर ना फैसल मुझे घर से निकाल देता। अब पहले यही बुझवाती रहेगी, कुछ बताएगी भी? अभी रुमैल आया था शादी के इनविटेशन दे, और मैं फैसल के साथ उसकी शादी की शॉपिंग के लिए गई। इसमें ऐसा क्या हो गया? मैंने गुस्से में आके उन दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया, तो अचानक फैसल घर पर आ गया और मैं घबरा गई। फैसल को लेके मैं बाहर चली गई। जब फैसल ने मुझसे पूछा तो मैंने घबराहट में आके यही कह दिया कि वो नूर के साथ। बहुत अच्छी। और जब हम वापस आए, अल्लाह जाने फैसल को क्या शक हुआ कि वो बच्चों के कमरे में चला गया। दिखता है कि वहां दोनों बच्चे बेहोश पड़े। क्या क्या कर दिया तूने ऐसा? मैंने तुझे उन्हें डराने के लिए बोला था, मारने के लिए नहीं बोला था। फैसल बहुत गुस्सा है, आप सोच नहीं सकती, उसे ऐसा लगता है कि नूर उसे बच्चों से दूर करना चाहती है। अरे शगुफ्ता, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब तो एक काम कर, फैसल के दिल में नूर की तरफ से जितना जहर भर सकती है भर, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब कैसे तबीयत है तुम्हारी? नूर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अम्मी भी तो मजबूर है ना। मगर नूर, सोचो मेरा क्या होगा जब उन लोगों को मेरी हकीकत का इल्म होगा, तो वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। खुशी ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, खुशी से ज्यादा मैंने खुद अपने साथ बुरा किया। तहजीब को अपने पाओं की बेड़ियां समझने लग गई थी, मगर जब उन बेड़ियों से आजाद हुई तो पता चला कि मैं तो किसी के काबिल ही नहीं रही। ये अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे एक बात करनी। जी कहिए भाई। बात फोन पर नहीं है, तुम घर आ जाओ। अच्छा, तो मैं अभी आ जाऊं? हाँ आ जाओ, लेकिन खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके। क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। जी ठीक है, मैं आता हूँ।